एंड बेसिस सॉल्व्स का पार्ट टू, और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस। जब एक एसिड और एक बेस को हम साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, मतलब हमारे रिएक्टेंट्स हैं एसिड और बेस और हमारे प्रोडक्ट्स हैं सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम एज अ होल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हम इसको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया और हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ली, हमने लिया NaOH और हमने लिया HCl। तो यहाँ पे जब हमने देखा ये Na और ये Cl ने कंबाइन करके बना दिया एक सॉल्ट, और जो रिमेनिंग था वो था H2O, मतलब वो बना हमारा वाटर। तो इस रिएक्शन में एसिड प्लस बेस विल डेफिनेटली गिव अस सॉल्ट एंड वाटर, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, मतलब हमने मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड से रिएक्ट कर लिया, मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड से रिएक्ट करवा दिया, तो मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड विल अगेन गिव सॉल्ट एंड वाटर। जैसे HCl था, HCl में हमने एक मेटालिक ऑक्साइड डाली CuO, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें, तो यहाँ पे CuCl2 एंड H2O बना अगेन सॉल्ट एंड वाटर बना। तो यहाँ पे आपको ये एक दो चीजें याद करके चलनी है। वहीं पे अगर हम एग्जांपल लें एक मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर हमने ली एक बेस के साथ तो वहां पे अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, जिसका एग्जांपल है हमारे पास CaOH2 प्लस CO2। तो यहाँ पे हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा CaCO3 प्लस H2O। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या फॉर्मिंग दिखा, अगेन हमें यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मिंग दिखे। एंड सिमिलर दो एग्जांपल्स हैं जिसमें अगेन यहाँ पे सॉल्ट बनी और यहाँ पे H2O मतलब हमारा वाटर बना। अब अगर हमने बात करी एसिड्स की और बेस की, तो एसिड और बेस में कॉमनैलिटी क्या है, मतलब अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है। तो हमने जब एसिड्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने एसिड की डेफिनेशन में एक चीज पढ़ी थी कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं पे उनका जो कॉमन पॉइंट है वो भी यही है कि बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, विच मीन्स दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स एंड बेस बोथ प्रोड्यूस आयन्स इन वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्योंकि एसिड बनाता है H प्लस आयन एंड बेस बनाता है OH नेगेटिव आयन, तो ये दोनों ने आयन्स तो क्रिएट किए। अब वो आयन्स इनफ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, तभी यहाँ पे कॉमनैलिटी का पॉइंट क्या है कि दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर से मार्क करो एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही लो क्योंकि आता है ये एग्जाम्स में। अब हमारे पास है बेकिंग सोडा, सो द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3। मैंने तो बेकिंग बहुत करी है, मैंने ट्राई करती रहती हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरा बेकिंग सोडा का यूज़ बहुत होता है। बेकिंग सोडा अगर मैं कभी केक में नहीं डालूँ तो वो केक में पफ नहीं आता, एंड सेम काम हमारा इनो करता है जो हम एसिडिटी के टाइम पे लेते हैं। तो यहाँ पे इसका बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है जिसको हम NaHCO3 से भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं किचन में बेकिंग करने के लिए, या केक्स या ब्राउनीज बनाने के लिए, या पकौड़ा वगैरह में जिसमें भी हमें थोड़ा सा पफ देना होता है चीज़ों को, तो इसको हम यूज़ करते हैं कभी कभार कुकिंग को भी फास्टर करने में, मतलब ये एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है। तो बेकिंग सोडा अगर हमें अचीव करनी है तो उसकी क्या रिएक्शन है कि हमें कॉमन सॉल्ट को मतलब NaCl को मिक्स करना है अमोनिया में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 में। तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा हमारा बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी के साथ साथ हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगी जो अगेन एक सॉल्ट होती है। तो ये रिएक्शन अगेन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आ सकती है आपको कि बेकिंग सोडा कैसे डिराइव होता है, उसका क्या रिएक्शन है। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा के यूजेस की, सो बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल मतलब ये है, ये इजी टू ईट है, मतलब अगर हम इसको खाएंगे तो हमें कोई हार्म नहीं होगा। और इसमें क्या होता है कि ये
सब केक्स वगैरह में यूज करी जाती है, उनको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में, मतलब ब्रेड्स में भी इसको यूज करते हैं उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने में, उसको पफ देने के लिए. इट इज यूज्ड इन एंटी एसिड्स बीइंग बेसिक इन नेचर एंड इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ. तो ये एंटी एसिड्स में भी यूज करी जाती है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को इनो का, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जो HCl एसिड होती है वो बहुत ज़्यादा रशअप हो जाती है, तो उस HCl एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनो, और वो एसिड और बेस फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तभी इनो पी के हमें एसिडिटी से एकदम से रिलीफ मिलता है. और यही यूज बेकिंग सोडा का भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. और इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका एक मेजर यूज होता है. नेक्स्ट वी हैव हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस. तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि एसिड्स और बेसिस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनका क्या लेवल है, इसके लिए हम यूज करते हैं एक पीएच स्केल, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको जो हम बोलते हैं. और उस पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि क्या एसिडिटी वो चीज़ शो कर रही है. तो पीएच के लिए हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जिसमें पी स्मॉल है एच कैपिटल है. और ये एक स्केल होती है नॉर्मल, जिसमें 1 to 14 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से जो सेवन्थ यूनिट होता है वो होता है न्यूट्रल का. सेवन्थ यूनिट होता है कि वो चीज़ न्यूट्रल है, और जैसे जैसे वो 7 से 14 की तरफ जाते हैं ये हो जाते हैं बेसिक इन नेचर, और जैसे वो 7 से 0 की तरफ आते हैं तो ये हो जाते हैं एसिडिक इन नेचर. तो जो 7 के आसपास वाली चीजें जैसे 6, 5, 8 या 9, तो ये वीक एसिड्स या वीक बेस होंगे, एंड टूवर्ड्स द एक्सट्रीम्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं. अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमने किसी एसिड का कलर टेस्ट किया तो रेड कलर का जो एसिड है वो मैक्सिमम होगा, एंड वहीं पे बेस का देखें तो वो ब्लूइश या पर्पलिश शेड में होगा. तो पीएच का यूज हमें होता है एसिड की या बेस की स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस पता लगाने का. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14. पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. तो हमने किसी का कलर टेस्ट किया, हम उसको पीएच स्केल पे रखेंगे तो जो उसका क्लोजेस्ट मैचिंग कलर होगा उससे हमें उनका नेचर पता चल जाएगा कि ये एसिडिक इन नेचर है या ये बेसिक इन नेचर है. तो हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू. हाइड्रोनियम आयन हमें कहाँ मिलते हैं, एसिड्स में मिलते हैं H+. तो जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा पीएच वैल्यू उतनी कम होगी, जैसे 0, 1 या 2. अभी हमने ये चीज़ हमारी पीएच स्केल पे देख ली थी. अब अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, जो हमारे वॉशिंग और कपड़े क्लीनिंग में काम आता है. इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट. तो Na2CO प्लस 10H2O जब रिक्रिस्टलाइज हो जाता है तो यहाँ पे हमें हमारी वॉशिंग सोडा मिलती है, और ये भी होती है एक बेसिक सॉल्ट जो हमारी वॉशिंग में हमें बहुत ज़्यादा काम आती है. नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. तो सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. तो इसमें वॉशिंग सोडा जो होती है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये यूज़ करी जाती है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स. तो बोरैक्स हमारे टूथपेस्ट में या माउथ वॉशेज में होता है, एंड सोडियम कंपाउंड्स का यूज़ बोरैक्स में किया जाता है. वहीं पे सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. तो हमारे घर में जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ ऐड करी जाती है, जो एक बेसिक सॉल्ट होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. अब पीएच का डेली लाइफ में वर्क क्या है, पीएच का डेली लाइफ में वर्क है कि हमारी बॉडी में जो पीएच लेवल होता है वो होता है 7 से 7.8 तक, मतलब ये न्यूट्रल होता है. मतलब हमारी बॉडी ना ज़्यादा एसिडिक होती है और ना ही हमारी बॉडी ज़्यादा बेसिक होती है. वहीं पे अगर हम बात करें रेन वाटर की, तो रेन वाटर का पीएच लेवल जब 5.6 से कम होता है
सो ये एसिडिक हो जाती है, इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। जो रेन हमारी मम्मा बोलती है ना कि इसमें मत नाओ बीमार पड़ जाओगे, वो होती है एसिड रेन। और जब एसिड रेन रिवर्स में फ्लो होती है, मतलब जब वो पानी रिवर्स में जाता है, तो रिवर्स का भी पीएच लेवल डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। और इन कंडीशंस में जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब जो हमारी फिशेस हैं, इन सब का सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे। तो ये था यूज ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है हमारा सॉल्ट्स का पार्ट, और सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो हमने पीएच स्केल में एक चीज पढ़ ली कि अगर ये पीएच स्केल है 0 की तरफ ज्यादा एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है और इस तरफ ज्यादा बेसिक है। तो जब हम लोग सॉल्ट बनाते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो 7 एग्जैक्ट पीएच नंबर शो करता है, क्योंकि वो सॉल्ट हो जाता है फिर एकदम न्यूट्रल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले हमारी कॉमन सॉल्ट का, जिसको हम बोलते हैं NaCl या सोडियम क्लोराइड, तो द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेंड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस डेली यूजेस। हमारी हर चीज़ में, हमारे घर में हर चीज़ में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। खाने में हमें सॉल्ट लगती है, सब चीज़ में हमें सॉल्ट लगती है। अब ये इसीलिए लग पा रही है क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनी है। NaOH एंड HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, ये डिकम्पोज होके फॉर्म कर देती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। दिस इज बेसिक इन नेचर। ये प्रोसेस जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की, इस प्रोसेस को हम क्लोरो अल्कलाई बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो क्लोरीन एंड अल्कलाई होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है एंड ये आ सकती है MCQs के पार्ट में। लास्ट अगर हम बात करें हमारे ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग मतलब कलर चेंजिंग पाउडर, जो एक बेज सा कलर दे देता है हमारे प्रोडक्ट्स को। सो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो जो जब हमने वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी, उसी प्रोसेस में क्लोरीन भी प्रोड्यूस हुआ, और ये क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हुई, ये यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर के प्रोसेस में। मतलब इससे हमारा ब्लीचिंग पाउडर डिराइव होता है, और ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम, मतलब CaOH पे जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा जो रिप्रेजेंट होता है CaOCl2 से। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आ गया कि यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो यूज़ किया जाता है कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री में, मतलब कलर देने के लिए। जैसे अगर हमें बहुत डार्क शेड करना होता है किसी कपड़े पे, तो पहले हम उसको ब्लीच करते हैं, ब्लीच के ऊपर कलर चढ़ाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये फैक्ट्रीज में और बाकी क्लोथ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, और ये यूज़ किया जाता है हमारी हेयर कलरिंग इंडस्ट्री में भी, जब हमें कलर चढ़ाना होता है। जैसे अगर कोई कलर है ग्रीन या ब्लू या रेड, जो नेचुरल हेयर पे नहीं चढ़ेगा, तो उसको पहले हम ब्लीच करके बेज या एक क्रीमिश सा टच देते हैं, उसके ऊपर हम ये बेसिक कलर्स चढ़ाते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के लिए कम्प्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर रिकमेंडेशन आपकी होगी, डेफिनेटली मेरे को बता आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है। So till then, stay tuned and happy learning.